हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दासू होने वाली है, यानी बहुत ज़्यादा, यानी कि इतनी कि भैया आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आज दोस्तों हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में हो ना, तो ये वीडियो, ओनली ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक बगैर धक्कामुक्की किए हुए देख लिया ना, तो भैया आपकी लाइफ है जो चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट क्रेस, स्टॉक मार्केट हो गया क्रेस। ये है पूर अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, यह है रिच सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हम इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे आज की, आपकी हालत क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, पूरी डिटेल से समझ लेंगे दोस्तों, पूरी डिटेल से, इतनी डिटेल से कि भैया आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों। अब हम देखो, आपको मैं बताता हूँ। देखो, सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल इंसान क्या सोचता है, पहले उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले बोलेंगे अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, वो क्या सोचता है। तो पहले हम इसको लेंगे दोस्तों, इसी को ले लेंगे पहले। तो अब देखो, आपके पास में स्टॉक है, क्रेश होता है मार्केट, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। 2000 में भी होता, 2008 में भी होता, यानी मार्केट होता रहता है, यानी कि ये मौका होता है एक तरह का। तो अभी अभी का क्या सिचुएशन है दोस्तों, अभी का क्या सिचुएशन है, अभी मार्केट पूरा क्रेश हो रहा है, टोटल क्रेश हो रहा है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, भैया डूब गया, मेरा पैसा डूब गया, बस इतना ही लॉस होना चाहिए, अभी मैं इसको सेल कर दूंगा, मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, तो मेरा पैसा है बच जाएगा, बस मुझे 1000 का लॉस हो गया, मुझे 10000 का लॉस हो गया, बस मैं इतना ही करूंगा और भैया मार्केट से एग्जिट हो जाता है। ये तो हमने देख लिया अनसक्सेसफुल आदमी की थिंकिंग क्या होती है। वही सक्सेसफुल इंसान क्या सोचता है, मार्केट कितना है ना, तो वो सोचता है कि मेरा लॉस हो रहा है, 1000 का हो रहा है, 10000 का हो रहा है, 50000 का हो रहा है, तो वो क्या पेशेंस रखता है, और उनको पता है मार्केट कभी ऐसे नहीं गिरता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, तो उसको पता है, तो वो क्या करेगा, वो भैया वेट करेगा और पैसे इकट्ठा करेगा और नीचे से और एवरेज कर लेगा, वो वेट करेगा, लेकिन वो डरेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है भैया जब हमने कंपनी पर पैसा लगाया है, उसका बिजनेस मॉडल देखा है, सब कुछ देखा है, तो डर किस बात का, वो डरेगा नहीं, वो हौसला रखेगा। इसलिए वो हौसला रखेगा तो दोस्तों वो सक्सेस हो जाएगा, मतलब जब मार्केट रिकवर होगा ना, तो इसका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहीं ये तो वही, अब ये इंसान जब वो सेल करके निकल जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर बाद में वेट करके, तो फिर इसके पास में रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। आप बता दो कि क्या बचा है इसके पास में, रोने के अलावा इसके पास में कोई ऑप्शन और है ही नहीं, है ही नहीं। तो वही है, अब देखो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, देखो अब जब तक आप स्टडी नहीं करोगे ना दोस्तों, आपका लॉस होता ही रहेगा। आपके फ्रेंड ने बता दिया, आपके रिलेटिव ने बता दिया, किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी का टेलीग्राम देख लिया, और बगैर सोचे समझे एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो एक साथ, यानी कि आपका पैसा पूरा एक ही साथ लगा देता है, और भैया 5 पैसा नीचे क्या गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहीं वहीं सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करें ना, तो वो एक साथ पैसा कभी नहीं लगाता, अगर वो धीरे लगाएगा, थोड़ा लगाएगा, थोड़ा लगाएगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा तो और थोड़ा लगा देगा, नीचे जाएगा तो और थोड़ा लगाएगा, मतलब दोनों स्थिति में, दोनों कंडीशन में वो एक समान रहता है, नीचे जाएगा तो और लगा देगा, ऊपर जाएगा तो और लगाएगा, वैसे वो SBI की तरह करेगा, तो उसका पैसा दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाएगा, और उसके अगर वो स्टॉक नीचे आएगा ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भैया और बाय कर लेगा, वो डरेगा नहीं, उसको पता है मौका है, तो भैया वो पैसे बना के लेके जाएगा मार्केट में। वही ये एक साथ पैसा लगा देगा, डर जाएगा, थोड़ा स्टॉक नीचे आएगा, भैया इसको पैरों के नीचे से जमीन किसे गया, डर जाएगा और लॉस बुक कर लेगा, और फिर भैया मार्केट से एग्जिट हो जाएगा कि मार्केट है ही नहीं, ये सब ग्लैम्बर है, जुआ है, कुछ ऐसे करेगा। अब देखो, अब कोविड के मार्केट हुआ था, 2000 में हुआ था, 2008 में, अब वार की सिचुएशन हो रही है, तो अब मार्केट पूरा क्रेश हो रहा है। अनसक्सेसफुल इंसान होता है ना, जिनको नॉलेज नहीं होता, बस वो देखा देखी करती है, भैया इसने बता दिया, इसने बता दिया। जो शेयर अनसक्सेसफुल इंसान की क्या होती है, कि जो शेयर अपर सर्किट में जागता ना, बस वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको लेने की सोचता है, चाहे वो कंपनी कचरा हो, उस कंपनी में कोई पोटेंशियल नहीं हो, चाहे वो ट्रैप हो, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो जा रहा है ना, तो भैया वो खुश मनाता है और बाइक लेता है। लेकिन वही सक्सेसफुल इंसान क्या करता है,
कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जो कंपनी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। नहीं, वो अप्स डाउन के चक्रों से बाहर होता है, उसको कोई मतलब नहीं है अप्स डाउन से। वो क्या करता है, वो कंपनी को स्टडी करता है, उसका बैलेंस शीट देखता है, उसका सब कुछ देखता है, उसका मॉडल देखता है, उसका बिजनेस मॉडल देखता है, उसका फ्यूचर देखता है कि आने वाले टाइम में ये कहाँ जा सकती है, कंपनी क्या कर सकती है, ईटीसी सब कुछ चेक करके वो उस शेयर में बाय करता है, उस स्टॉक को बाय करता है। फिर उसको कोई मतलब नहीं है वो ऊपर जाए नीचे जाए, नीचे जाएगा तो और उठाता रहेगा, ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वो मार्केट से बोरी भर भर के पैसे लेके जाएगा। वहीं ये इंसान क्या करेगा, ऊपर जा रहा है बाइक लेगा बगैर सोचे समझे, फिर वो धड़ाम से नीचे गिरेगा तो लॉस हो जाएगा, एक दिन वेट करेगा अरे और ज़्यादा लॉस हो गया, दूसरे दिन वेट करेगा अरे और ज़्यादा लॉस हो गया, फिर इरिटेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा और खुद का ब्लेम, यानी कि खुद पर जिम्मेदारी नहीं लेगा कि मैंने बाइक किया, ना 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 ना, किसी दूसरे को ब्लेम करेगा, किसी दूसरे को नेगेटिव कमेंट करेगा, फिर मार्केट से एग्जिट हो जाएगा, लॉस बुक कर लेगा। वही ये इंसान प्रॉफिट में मालामाल रहेगा। तो यही फर्क होता है। अब देखो वॉरेन बफेट जी क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट के गॉड फादर, वो बोलते हैं कि देखो जो सक्सेसफुल इंसान होगा ना, जो सक्सेसफुल इंसान, वो अपने पोर्टफोलियो को 50-60% माइनस में देख सकता है, उसमें कैपेसिटी होती है, वो सहन कर सकता है और तभी वो प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि उसको पता है भैया कंपनी अच्छी है तो डरने वाली क्या बात है, नीचे जा रहा है तो जाने दो, वो खुशियां मनाता है। वहीं अनसक्सेसफुल होता है ना, वो क्या सोचता है कि भैया अरे नीचे गया 10% का लॉस, 20% का, 50% का लॉस होते ही तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाता है। तो ये गलत है, वो इंसान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी है ना, माइंड की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है। अब देखो और सरल तरीके से समझेंगे, अनसक्सेसफुल आदमी है ना चिल्ले से खुश होता है, दो दिन की गिरावट से, दो दिन की अप्स डाउन से खुश होता है, वो बस एक दिन का, दो दिन का, लास्ट ले लास्ट 5 दिन का, 10 दिन का सोचता है कि भैया बस ठीक है, मुझे 1,000 रुपये मिल गए, मुझे 50,000 रुपये मिल गए, मुझे 5,000 रुपये, बस इतना लेके वो खुश है। लेकिन वहीं सक्सेसफुल इंसान वो एक दिन की नहीं सोचता, दो दिन की नहीं सोचता, 5 दिन की नहीं सोचता, वो सोचता है अगले वाले 30 दिन की, 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की। उनको चिल्लर से कोई मतलब ही नहीं है, चिल्लर आ रही है जा रही है उसको कोई मतलब नहीं है, उनको पता है कि भैया सेल लास्ट में ऊपर ही जाएगा, ये गिरावट है तो मौका है खरीदने का, लास्ट में ऊपर ही जाएगा तो वो अपनी एक बोरी लगाएगा ना तो 100 बोरी 10 बोरी लेके जाएगा। वही अनसक्सेसफुल एक बोरी लगाएगा ना तो भैया एक थैली भी, एक कट्टा भी, एक दामा भी, एक ना एक एक कुछ उच्च लेके नहीं जाएगा, क्योंकि अपना पैसा गवा देगा वो इसी अप्स डाउन के चक्र में। अब देखो वही अब स्थिति बन रही है करंट, स्टॉक मार्केट पूरा क्रेश हो रहा है। जो समझदार है ना, सक्सेसफुल इंसान है, रियल में उनको नॉलेज है और पैसे कमाना चाहता है ना, वो इस गिरावट से खुश हो रहा है, उसको पता है कि मेरे पास में जो शेयर है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी है, आगे ग्रो करोगी, तो डर किस बात का है, डर है किस बात का, उसको कुछ डर ही नहीं है, वो खुश हो रहा है कि भैया मुझे नीचे से और बाय करने का मौका मिल रहा है, गोल्डन मौका मिल रहा है, तो वो और बाय करेगा, वो डरेगा नहीं, चाहे उसका 50% पोर्टफोलियो माइनस में हो, 60% माइनस में हो, वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये गिरावट टेंपरेरी है, भैया वापिस ऊपर आएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वहीं पर हम देखें अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर को, तो अनसक्सेसफुल क्या करता है, लॉस हो गया सब कुछ तबाह हो गया, भैया गिरावट है सब कुछ, मेरे पैसे जीरो हो जाएंगे, वो डर जाता है, वो पैनिक हो जाता है और वो सेल कर देता है, बस सेल करते दूसरे दिन से अपर सर्किल लग जाता है और इसका कैपिटल भी चला जाता है और ये भैया उसकी हो जाती है बल्ले बल्ले। तो ये फर्क है दोनों में। तो अब आपको क्या बनना है दोस्तों, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपको अनसक्सेसफुल बनना है या सक्सेसफुल बनना है, वो आप सोचो। अब देखो दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, हर इंसान देखो स्टॉक मार्केट में आता है करोड़पति बनने के लिए आता है, लेकिन उल्टा आप रोडपति बन के चले जाते हो, क्योंकि फर्क है, फर्क ये है आपकी सोच में फर्क है। आपको खुद एक तो खुद तो स्टडी करते नहीं हो, फिर दूसरा का वीडियो देख लिया टेलीग्राम पर, किसी फ्रेंड ने बता दिया और अपर सर्किल लग रहा है तो भैया उस लालच को बाय कर लेते हो, यानी कि जो अनसक्सेसफुल होता है ना वो कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करता, ना ना कंपनी को वो बाय ही नहीं करता, वो एक लालच को बाय करता है कि भैया लालच क्या। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम TTML का, TTML का 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये पर जिस फ्रेंड्स ने भी खरीदा ना, वो रियल में कंपनी को खरीदा, रियल में TTML को खरीदा, लेकिन वही स्टॉक 50 का हो गया, 100 का हो गया, फिर अपर सर्किल लग रहा था धड़ाम धड़ाम, तो
जिन्होंने 50 पर 20 पर 100 पर खरीदा ना, वो TTML को नहीं खरीदा भैया, उस लालच को खरीदा, उस अपर सर्किट को लग रहा था ना उसको खरीदा, तो भैया लॉस तो होना ही था। 300 शेयर गया वापस, आज 120 रुपए हो रहा है वो शेयर, तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि हाई लेवल पर बाइक लिया बगैर सोचे समझे। और जो सक्सेसफुल होता है उन्होंने कंपनी का बिजनेस देखा, मॉडल देखा, भैया इतना रिटर्न निकाल दी, 2 रुपए पर भैया खरीद लिया और 300 रुपए पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि यही होता है। तो अब आपके पास में देखो स्टॉक है, आपने स्टॉक है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का फंडामेंटल देखा, इसका बिजनेस देखा, आपने बाय किया, अब वो नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इरिटेशन हो, नेगेटिव कमांड कर रहे हो, भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डर रहे हो और लॉस बुक कर रहे हो, तो ये क्या है? लॉस बुक करते रहो भाई, मार्केट ये तो नहीं खत्म हो गया, मार्केट कुछ नहीं है खत्म हो गया। अब बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि युद्ध हो जाएगा, वार हो जाएगा, तो फिर तो आपके बैंक में पैसे पड़े हुए, उनका क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो इतना डीपली सोचोगे ना, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, एग्जिट हो जाओ भैया। तो अब वो तो डर रहा है, मार्केट क्रेश हो रहा है ना, अनसक्सेसफुल इंसान डर रहा है, अपना लॉस बुक कर रहा है, रोज उसके लॉस हो रहा है, इसके भी लॉस हो रहा है, इसके भी लॉस हो रहा है, लेकिन ये खुशियां मना रहा है, ये नीचे से अगर इसके पास में पैसा होगा तो नीचे से और बाय करेगा, वरना वेट कर रहा है, खुशियां मना रहा है, उसको पता है भैया कहाँ जाएगा, आखिरकार ऊपर ही आएगी ना, कहाँ जाएगा, लेकिन ये डर रहा है, क्योंकि भैया उनको पता ही नहीं है क्या है, उनको मतलब नहीं है कंपनी से, ये लालच को खरीदता है, इसको मतलब नहीं है, तो भैया लॉस ही है। अब देखो आपको क्या बनना है, आपको अनसक्सेसफुल बनना है या सक्सेसफुल बनना है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपको दोनों साइड लेके जाती है, कोई भी इंसान ना उसका जो माइंड है वही आपको दोनों साइड लेके जाता है। अगर आप वेट करते हो, लॉस देखने की हिम्मत है, अरे आपको पता है, तो भैया आप सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन 2 दिन की गिरावट से, 2 दिन के अपर सर्किट से, चिल्लर के कुछ हो तो भैया आपका कुछ होने वाला नहीं है। स्मार्ट बनो और पैसे कमाओ। देखो मार्केट गिर रहा है ना, तो ये ब्लेम करने का टाइम नहीं है, ब्लेम करके किसी को क्या मिला, आज तक कुछ नहीं मिला, खुद का लॉस ही हुआ, ब्लेम करने का नहीं है, ये पैसे कमाने का मौका होता है। जो सक्सेसफुल होता है ना वो ब्लेम नहीं करता है, वो जिम्मा अपने पे लेता है, उसको पता है वो ब्लेम नहीं करता है और मौके का फायदा उठाया, चुपचाप बैठा है, वो नीचे से बोरी भर के उठा लेगा, और भैया जैसे मार्केट सेटल होगा ना उसका पैसा इतना हो जाएगा कि वो करोड़पति बन के निकल जाएगा, और जो आपके पास में है ना भैया आप वो भी गवा दोगे। तो यही फर्क है दोनों में। तो आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है, लॉस हो रहा है, कोई अकेले इंसान नहीं हो जो आपके लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए भैया, लॉस देखने की कैपेसिटी। ये तो है नहीं, सभी शेयर गिर रहे हैं, आपका अन्नों का स्टॉक तो है नहीं। अब बहुत सारे फ्रेंड्स की ये कमेंट होती है कि भैया आपने बोला था अपर सर्किट लग रहा है, आज लोअर सर्किट लग रहा है, क्यों पागल बना रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो बोली बाली मासूम जनता को, इसमें अपर सर्किट नहीं लग रहा। ये होते हैं ना अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, दूसरे को ब्लेम करते हैं, बस उनको कुछ पता ही नहीं है भैया, वो उनको पता नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या क्रेज है, कुछ नहीं भैया, उसमें अपर सर्किट लग रहा है, इसमें क्यों नहीं लग रहा है, अरे नहीं लग रहा है तो कौन सा तूफान आ गया, वेट कर लो ना, वेट आपसे होता नहीं है, और आप चले हो स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति का तो सीबी आपको हाथ नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं होता, वहाँ पे पल पल पे खतरा होता है भैया, वहाँ पे पेशेंस चाहिए, पैसे कोई भी लगा देगा, पैसे तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पैसे है, पेशेंस है क्या किसी पास में, लॉस देखने की कैपेसिटी है, वेट कर सकता है क्या, कोई नहीं कर सकता। जब इंसान पेशेंस नहीं है, वेट नहीं कर सकता, लॉस नहीं देख सकता, तो क्या आप सक्सेसफुल होगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, लिख लेगा। लेकिन सक्सेसफुल इंसान वेट भी देखेगा, वेट भी करेगा, पेशेंस भी रखेगा और लॉस भी देखेगा, उसको पता है कि कंपनी अच्छी है, जाएगी तो जाएगी, कहाँ नीचे, बस फर्क इतना पड़ेगा, 10 दिन को आपको रिटर्न मिलने वाला था तो 15 दिन में रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन देखो जो मार्केट क्रेश होता है ना, जो आपको 5 साल में रिटर्न मिलने वाला होता है ना, वो महज 3 महीने 6 महीने में आपको रिटर्न मिलता है। ये होती है थिंकिंग सक्सेसफुल इन्वेस्टर की, क्योंकि वो सोचता है, उसको पता है, और आप देखा देखी करते हो, डर जाते हो। तो भैया देखो स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है, जो डर गया ना वो मर गया और अपने घर गया। तो अभी भी बोल रहा हूँ, दूसरों को ब्लेम मत करो, ये एक मौका होता है पैसे कमाने का। नीचे जा रहा है स्टॉक आपके पास में, फंडामेंटली कंपनी स्टॉक है, उसका बिजनेस स्टॉक है ना, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया ना किसी भी कंपनी का, तो कभी भी आप है ना मात नहीं खाओगे। तो जिनके जिन शेयरों में लोअर सर्किट लग रहा है ना, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है भैया। अगर आपको करोड़पति बनना है ना, तो होल्ड करना ही होगा और अपने लॉस को देखना ही होगा, क्योंकि भैया बड़े बड़े जो भी प्लेयर है ना भैया, उन्होंने भी यही फॉर्मूला यूज किया है, तो आपको करना है। लॉस देखोगे ना तभी प्रॉफिट मिलेगा, और होल्ड करने की कैपेसिटी रखो, सेल करोगे ना लॉस में तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते और कभी रिच पर्सन नहीं बन सकते।
लेकिन यही सक्सेसफुल इंसान है ना। अब आपको पता है मैं वीडियो बनाता हूँ, रोज़ से 7 से 10 वीडियो बनाता हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बना रहा है, क्योंकि आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो। मैं आपको हर बार मोटिवेट करता हूँ, लॉस मेरा भी हो रहा है और मैंने बताया है और दिखा दूंगा कि वही इंसान जो वेट करता है, पेशेंस रखता है, लॉस देखता है ना, वही इंसान सक्सेसफुल बनता है, वही इंसान करोड़पति बन के निकलता है। लेकिन आप लोग 2 दिन की 10 दिन की गिरावट से भैया दुखी हो, आप लोगों की आदत पड़ गई है चिल्लत से खुश होने की और चिल्लत जाने से रोने की। अगर ये जब तक आदत है ना, तो आप लिख लेना कभी भी रिच पर्सन नहीं बनते, आप और ही बनोगे और अनसक्सेसफुल ही रहोगे। सक्सेसफुल बनने के लिए, रिच बनने के लिए आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, माइंड पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, लॉस देखने की हिम्मत होनी चाहिए और कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की हिम्मत होनी चाहिए। ये सब कुछ करो ना तो सक्सेसफुल रहेगा। तो मोटा मोटी यही है, सभी के लॉस हो रहा है तो बस वेट करो और नीचे से अगर पैसे है नीचे से बाय करो, एवरेज करो, लॉस में सेल मत करो। मार्केट है ना ऐसे इतिहास गवाह, जैसे ऐसे गिरा ना ऐसे उठेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है। मैंने पूरी डिटेल से सरल भाषा में समझा दी है, अनसक्सेसफुल बनना है या सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाना है या पैसे अपने कैपिटल को गवाना है, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको क्या बनना है। क्योंकि दोस्तों क्लियर है, जो लॉस देखेगा, वेट करेगा, पेशेंस रखेगा ना, वही बड़ी बरबर के पैसे लाएगा, वही इंसान इधर आएगा और सक्सेस होगा। और जो भैया लॉस नहीं देख सकता ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। ये वीडियो ओनली नॉलेजेबल था, सोचा बहुत सारे लोग है डरे हुए, पैनिक स्थिति है, तो सोचा आपके लिए खतरनाक से दासू वीडियो लाऊं। वीडियो पसंद आया ना जरा भी तो वीडियो को लाइक ठोक देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज की वीडियो में।